हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबको मेरी छोटी सी हरी भरी बगिया में। तो आज मैं शकरकंद, मिश्रीकंद, जिमीकंद, जितना मिट्टी में होने वाली जो फल है फ्रेंड्स, उसके बारे में बात करूंगी। तो ये देखिए, ये पौधा शकरकंद का है फ्रेंड्स, स्वीट पोटैटो का। इसमें बहुत ही अच्छा फूल खिला था। मैं इसे वीडियो शूट करना भूल गई थी। मैं शॉर्ट्स में डाली हूँ पर वीडियो शूट करना भूल गई। तो ये देखिए, ये बेल वाली सब्जी होती है फ्रेंड्स, बेल वाली सब्जी नहीं, फल कहिए। तो ये देखिए, लत्तर की तरह चढ़ता है ये। तो ये देखिए, मेरे यहाँ शकरकंद एक फल है फ्रेंड्स, इसी में से निकला है। ये देखिए कितना सारा पौधा निकला है इसमें से। और गलती से मैं इसे मिट्टी को खोद रही थी तो ये भी निकला है छोटा छोटा। पूरा तो नहीं हुआ है पर छोटा छोटा निकला है इसी में से। लगता है ये अच्छा से अभी नहीं बना है, बन रहा था लेकिन मैं इसी कोड़ाई कर रही थी इसकी मिट्टी का। तो ये देखिए छोटा छोटा मुझे ये मिला, टूट भी गया देखिए। कोई बात नहीं, इसे मिट्टी में मैं दबा दूँगी, फिर से ये पौधा बन जाएगा। देखिए इसी का टूट गया है, इसी का। तो इसको मैं मिट्टी में दबा दूंगी, इसीलिए मैं आज आप लोग को दिखा रही हूँ फ्रेंड्स वीडियो बनाकर, कि शकरकंद का पौधा भी आप एक बार लगा लीजिए तो कभी नहीं ख़त्म होने वाली। ये पौधा है मेरे छत पे, पिछले साल का ये पौधा है फ्रेंड्स। इसे मैं हटा देती हूँ, डिकम्पोस्ट में कबाड़ के सभी को डाल देती हूँ, फिर ये अलग से ब्रांच निकल जाता है, फिर से ये फलने लगता है। तो ये आपका फ्रेंड बन गया है फ्रेंड्स, घर का एक हिस्सा बन गया है, सदस्य बन गया है। तो ये ऐसे भी बहुत ही अच्छा लगता है गार्डन में, अगर आपका बेल की तरह रहे। और इसमें फ्रूटिंग करता है फ्रेंड्स, इस बार फ्रूटिंग करेगा, फल देगा फ्रेंड्स इसमें और फूल देगा। तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको, पिछला बार तो नहीं दिखाई तो दिखाऊंगी। ये देखिए बेल वाली ये सब्जी है, सॉरी फ्रूट है, क्योंकि शकरकंद फ्रूट है सब्जी नहीं है। तो आज मैं दिखाती हूँ फ्रेंड्स, इसको मैं इसी में छोड़ दूँगी, मिट्टी में दबा दूँगी इसी तरह से। तो आज मैं देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, इसे पहचानते हैं आप, ये है मिश्रीकंद। ये मैं लाई थी महाशिवरात्रि में भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए, लेकिन बच्चों ने नहीं खाया, मैं भी नहीं खाई। मैं क्यों बोलूं कि मैं खा गई। तो सभी देखिए फल जो है सूख गया है फ्रेंड्स, कुछ तो ख़राब हो गया है, मैं फेंक दी। पर देखिए कि किचन में मेरा रखा हुआ था, ये ठीक है, इसमें वैसे भी पौधा निकल सकता है। ये देखिए इसका पीछे का ये शूट्स है, इसी में इसे पौधा निकलेगा फ्रेंड्स। आप पानी में इसे अच्छे से रख दीजिए, इसका नीचे वाला जो हिस्सा है इसे पानी में रख दीजिएगा तो ये पौधा ऊपर से निकलेगा, जैसे ये निकला हुआ है फ्रेंड्स देखिए। तो मैं इसे क्यों फेंकूं, ये मेरा दोस्त बनने जा रहा है गार्डन में, एक और दोस्त मेरा तैयार है गार्डन में हिस्सा लेने के लिए। तो इसे मैं क्यों फेंकूं, इसीलिए मैं वीडियो शूट कर रही हूं और इसे मैं अपने गार्डन में जगह दूंगी। तो सभी में से पौधा निकलेगा फ्रेंड्स, ये तो ठीक नहीं है, ख़राब है, लेकिन इसे भी मैं नहीं फेंकूँगी। और एक एक्सपेरिमेंट मैं की थी बहुत पहले, जो आप लोग जिमीकंद जो कहते हैं फ्रेंड्स, शकरकंद सॉरी जिमीकंद यानी कि ओल, ये देखिए ये छोटू सा ओल है फ्रेंड्स। ये जानते हैं कैसे मैं उगाई हूँ, जो ओल मार्केट से लाई थी मैं, उसमें से फ्रेंड्स इस तरह का ओल में लगा हुआ रहता है छोटा छोटा, देखिए। इसी को मैं मिट्टी में डाल दी थी ट्राई करने के लिए, मैं एक्सपेरिमेंट करते रहती हूँ कुछ ना कुछ, किससे क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। तो मैं ये ऐसा वाला जो ओल है, ओल में बड़ा सा ओल रहता है उसी में ये छोटा वाला रहता है, सभी को तोड़ तोड़ के मिट्टी में दबा दी थी। उसी से फ्रेंड्स देखिए ये छोटू सा ओल हो गया मेरे गार्डन में। इसे मैं जब अपना ग्रो बैग जो चावल की बोरी है, खास करके मैं उसी में लगाती हूँ, तो उसे मैं जब पलट रही थी तो उसमें से मुझे ये निकला। तो इसका वीडियो तो मैं शूट नहीं की, लेकिन इसका पौधा मैं लगाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। और अगली बार इसे हार्वेस्ट करूंगी
तो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये जिमीकंद जो है फ्रेंड्स, ओल जो जिसे कहते हैं हम लोग, ये करीब 9 महीना 10 महीना लगता है बनने में, तैयार होने में। तो इसकी भी समय आ गई है, अप्रैल मई जून तक आप इसे लगा सकते हैं। तो मेरे पास देखिए इसका शूट्स भी निकल रहा है, आप गौर से देखिए पीछे। तो इसे मैं क्यों फेंकूं, इसे मैं लगा दूंगी और इसमें से मेरे पौधे निकलेंगे ऊपर। ये आगे का हिस्सा है फ्रेंड्स, देखिए कितना चिकना है, इसे मैं मिट्टी में नीचे से रखूंगी और पौधा देखिए यहाँ से निकलेगा जहाँ से शूट्स बना हुआ है। तो आज मैं ओल लगा कर दिखाऊँगी और ये मिश्री कंद है, इसे भी लगाऊंगी। सभी को मैं अपने गार्डन में जगह दूंगी फ्रेंड्स, जब मेरे फ्रेंड बनने को तैयार है तो मैं क्यों ना दूं। तो ये देखिए करना कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी है। सभी मैं अच्छे से मिट्टी में भर ली हूं। मैं कोई भी काम बहुत ही ज़्यादा तामझाम या मुश्किल वाला नहीं करती हूँ, जिसमें हद से ज़्यादा टेंशन हो, क्योंकि मैं किचन में खाना बनाती हूँ। मतलब खाना तो सभी बनाते हैं फ्रेंड्स, लेकिन मैं वीडियो बनाती हूँ। सुधा सिन्हा किचन ब्लॉग मेरा है यूट्यूब पर, आप लोग भी देखिएगा। सुधा सिन्हा किचन ब्लॉग मेरी है चैनल, तो आप लोग भी प्लीज़ उसे देख के सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मैं रेसिपी बनाती हूँ तो उसमें भी टाइम लगता है और टेरिस पर भी टाइम लगता है, तो मैं बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैं रख दूँगी मिट्टी में, और मेरी मिट्टी देखिए हेल्दी है, इसमें मैं हल्दी मिला दी थी और इसे धूप में सुखा ली हूँ, देखिए छत पे बिछा हुआ है। तो इस तरह से मैं इसका नीचे वाला हिस्सा नीचे रख दूँगी देखिए, और देखिए इस तरह से इसमें मैं 3 लगाई हूँ फ्रेंड्स। और ये देखिए ये जो ओल है जिमीकंद, इसे भी मैं लगाऊंगी। तो इसे भी मैं इस तरह से मिट्टी में रखूंगी देखिए। एक और है देखिए फ्रेंड्स, कितना पहले सुंदर लग रहा है छोटू सा ओल, इसको काट के मैं सब्जी कैसे बनाऊं, कितना सब्जी इसका बनेगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कितना सुंदर लग रहा है। और मेरे गार्डन जो है प्राकृतिक जो है कभी भी लेता नहीं है फ्रेंड्स, देता है आपको। आप अगर किसी को खुशियां दीजिएगा फ्रेंड्स, किसी को कुछ आप एक दीजिएगा तो आपको प्राकृतिक 2 देगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए मुझे प्राकृतिक ने कितना अच्छा छोटू सा ओल दिया है, मैं तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तो इस बार मैं छोटा सा लगाई हूँ हुआ है, तो हो सकता है अगली बार बड़ा ओल हो। तो अभी मैं फ़िलहाल छोटा सा गमला में लगा रही हूँ, इसे जर्मिनेट कर लूँगी तब मैं बड़ा ग्रो बैग में इसे डालूँगी। तो ये देखिए छोटा छोटा जो निकला है ओल में से, इसे हम लोग बिहार में बोलते हैं, इसे जुड़पुत्ती बोलते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए इसे भी मैं नीचे रख दूँगी, इस तरह से बिछा दूँगी। अगर पौधा निकलना हो तो इसमें से भी निकलेगा, नहीं निकलना हो तो नहीं निकलेगा, लेकिन ये 2 में से तो ज़रूर निकलेगा, क्योंकि ये 2 बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और अच्छा है। तो सभी को मैं अब मिट्टी से इस तरह से कवर कर दूंगी, कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स। इस तरह से देखिए मिट्टी से मैं कवर कर दी। मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ फ्रेंड्स और एक हाथ से पौधे लगाकर दिखा रही हूँ। ये देखिए इसे भी मैं अच्छे से मिट्टी से कवर कर दूंगी। इसका जो ऊपर का हिस्सा है फ्रेंड्स, जिससे पौधे निकल रहे हैं, इसे मैं नहीं ढकूंगी मिट्टी से, क्योंकि ये ख़राब हो जाएगा या फंगस भी लग सकता है। तो इसे मैं इसी तरह से रहने दूंगी, इस पर इसे मिट्टी से नहीं ढकूंगी, बाकी सभी को ढक दूंगी इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स मैं ढक दी। तो ये देखिए फ्रेंड्स सभी को मिट्टी से मैं ढक दी हूँ, अब इसे अच्छे से पानी दे दूंगी ताकि इसका बीज जो है
इधर उधर ना हो। और ये छोटा सा गमला में मैं अभी लगा रही हूँ फ्रेंड्स, बाद में इसे बड़े ग्रो बैग में जगह दूंगी। तो अभी फ़िलहाल मैं छोटा सा गमला में लगा रही हूँ, बाद में बड़ा जगह दूंगी इसे, इसे भी अपना फ्रेंड बना लूँगी। और ये देखिए इसका शूट्स जो निकल रहा था, इसे मिट्टी से मैं कवर नहीं की हूँ, ऊपर है। तो जिमीकंद जो है फ्रेंड्स, ओल जो है वो लगाने का सही समय है अप्रैल का महीना, मई का महीना, और ये जून जुलाई में होती है फ्रेंड्स, लगाई जाती है। लेकिन मेरे यहाँ देखिए शूट्स निकल गया है, तो इसे मैं क्यों फेंकूँ, ये फलने के लिए तैयार है और ये पौधा बनने के लिए तैयार है, तो इसे मैं पौधा बनाऊंगी और सभी को मैं बड़े ग्रो बैग में लगाऊंगी, बड़ा गमला या बड़ा चावल की बोरी में, ताकि ये अच्छा बड़ा बड़ा फल दे। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी तरह के अगला वीडियो मैं लाऊंगी, अच्छी अच्छी वीडियो। आप लोग भी अगर कुछ ऐसा नया लगाएं अपने गार्डन में, तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स, मुझे भी अच्छा लगेगा। और जो जानकारी मुझे नहीं है, मुझे भी जानकारी होगी, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ बहुत बड़ा बिगनर नहीं हूँ मैं। तो आप लोग भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और मुझे जानकारी दे सकते हैं अच्छी अच्छी तो इसी तरह से मैं अगली वीडियो लाऊंगी, कौन सा फल कौन सा फूल जर्मिनेट कर रही हूँ। तो अच्छा लगा वीडियो अगर फ्रेंड्स, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।